तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग हॉरर मूवी के बारे में, जिसका अभी रिसेंटली ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी होने वाली है। तो बिना किसी डिले के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी का नाम है लास्ट नाइट इन सुहू। तो बात करें इस मूवी की कास्ट की, तो लीड रोल में होने वाली हैं दो खूबसूरत सी महिलाएं एक्ट्रेस, जिनका नाम है आन्या टेलर जॉय एंड थॉमसन। देखने में तो ये दोनों परियां हैं, लेकिन इनमें से एक करेक्टर जो है वो है चुड़ैल, मतलब गोस्ट विद ब्यूटी, मतलब एक तो खूबसूरत ऊपर से चुड़ैल, मानो मजा आ जाएगा देख के ही। तो बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इसमें एक यंग गर्ल होती है जो कि पैशनेट होती है फैशन डिज़ाइन के लिए, जो कि रेगुलर अपने काम के लिए सुबह जाती है और रात को घर वापस आ जाती है और सो जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो जाती है काम पे और रात को घर पे वापस आती है, और सपने में वो 1960s में चले जाती है लंदन में। भाई मतलब पीछे का टाइम ट्रेवल चल दिया, पास्ट में पहुंच गई, अपने पता नहीं किस हिसाब से पहुंच गई, लेकिन पहुंच गई। वो मूवी में दिखाया गया है। तो वहाँ पे वो जब पहुँचती है, तो उसको अपनी एक आइडियल सिंगर होती है, उसकी हर बंदे की अपनी अपनी आइडियल होती है, उस बंदी की भी थी एक आइडियल सिंगर, वो उसको वहाँ पे मिल जाती है और वो उसको देखती है, और उसको साथ साथ उसको जो लंदन दिखता है, उसको लगता है कि लंदन वैसा तो है नहीं जैसा वो दिख रहा है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डरावने सीन और इंसिडेंट हो जाते हैं। गाइस ट्रेलर में देख देख के सीन तो उसके साथ हो रहे थे, लेकिन महसूस मेरे को हो रहा था कि भाई मेरे साथ हो रहे हैं ये सीन। भाई मैं तो सच में डर गया, बिस्तर के अंदर बढ़ गया मैं तो। मैंने तो फिर ये पूरा ट्रेलर अपने दोस्त के साथ देखा। मैं तो थोड़ा बहुत ही डरा, लेकिन मेरा दोस्त जो है ना, वो 2 दिन बिस्तर से नहीं उठा ये मूवी का ट्रेलर देख के। भाई इतनी ज़्यादा हॉरर और डरावनी मूवी है, मतलब माना कॉन्जरिंग का लेवल अलग है, लेकिन ये उससे कम नहीं होगी मूवी। बहुत ही ज़्यादा ओपी ट्रेलर आया है इसका। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मूवी की जो एक्टिंग है, स्किल्स है और राइटर के बारे में। तो भैया इस मूवी का जो राइटर और डायरेक्टर है वो है एडगर राइट, और जिसका जो स्क्रीन प्ले है वो भी एडगर राइट ने किया है। और भैया स्टोरी लाइन तो मस्त है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ कि गोस्ट वाली जो स्टोरी आई है वो मस्त है। और बात करें एक्टिंग की, तो भैया एक्टिंग ज़बरदस्त की है दोनों ही लड़कियों ने, चुड़ैल ने भी और अपनी परी वाली परी ने, इंसान ने भी। और बात करें तो दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन जो भूत है भाई वो तो मस्त ही है, मतलब चुड़ैल तो बहुत ही ज़्यादा ओपी बनाई है लोगों ने, मतलब अच्छा करेक्टर चुना है चुड़ैल के लिए, मज़ा आ रहा है करेक्टर को देख के। वैसे मैं पर्सनली, मेरे को हॉरर मूवीज़ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं तो देख ही नहीं पाता हॉरर मूवीज़। हम लोग अगर हॉरर मूवीज़ देखनी होती है ना, तो भैया पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग कि भैया आज देखेंगे हॉरर मूवी, और वो भी बहनचोद पूरी नहीं देख पाते हम लोग, आधी छोड़ के वहीं भाग जाते हैं हम लोग। तो गाइस अगर आप सबको हॉरर मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भैया ये मूवी खास करके आपके लिए ही बनी है। अगर आपको बिल्कुल डर नहीं लगता ना, तो भैया मूवी ये ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, सीन्स बड़े अच्छे हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।